सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को दी जाने वाली सहायता की प्रगति मुजफ्फरपुर जिले में काफी धीमी है, जिस कारण गरीबों को समय पर लाभ मिलने की बात तो दूर, उन्हें लगातार शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। यह आरोप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने लगाया है। A2Z न्यूज लाइव से आज मुजफ्फरपुर में बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखिए। नुनिया टोला में आए थे यहाँ के गरीबों का जन समस्या सुनने के लिए। नुनिया टोली में मूलभूत समस्या से तो लोग यहाँ के वंचित हैं ही, लेकिन बिजली भी एक गंभीर समस्या है। इतना ही नहीं, गरीबों से बात हुई है, लोग कह रहे हैं कि 2014 से कन्या विवाह योजना की राशि नहीं मिल रही, कभी ने अंत्योष्टि का समय पर पैसा नहीं मिलता है, पेंशन लंबित है, पारिवारिक लाभ योजना का कई आवेदन पड़ा हुआ है अनुमंडल कार्यालय में, मुख्यमंत्री अनुग्रह अनुदान योजना का आवेदन लंबित है। इस तरह कई योजना जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को सहायता सरकार देती है, उसका गति काफी धीमी है। हम जिलाधिकारी जी आपसे मांग करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आप संज्ञान में लीजिए कि गरीब